सावन के तीसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ लगी है। तीसरे सोमवार पर प्राचीन कैलाश मंदिर पर रात से कांवड़ चढ़ाने वाले भक्तों की भीड़ लगी है। आपको बता दें कि मेले के चलते यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। इसके अलावा बालकेश्वर, राजेश्वर, पृथ्वीनाथ, रावली और मनकेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की लाइन लगी हुई है। कैलाश मेले के चलते सोमवार को स्थानीय अवकाश भी घोषित कर दिया गया। कैलाश मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। आपको बता दें कि सालों पहले एक निसंतान अंग्रेज कलेक्टर को किसी ने कैलाश मंदिर के बारे में बताया। वो मंदिर पहुंचे और यहां पर पूजा अर्चना कर उन्होंने मन्नत मांगी। कैलाश महादेव के आशीर्वाद से उनके घर में संतान पैदा हुई। इसके बाद कैलाश मंदिर पर मेले के लिए उन्होंने स्थानीय अवकाश की घोषणा की। तब से ये परंपरा चली आ रही है। आपको बता दें कैलाश मंदिर के महंत गौरव गिरी ने बताया कि कैलाशपति महादेव बाबा का दरबार 10,000 वर्ष से पुराना है। भगवान परशुराम और उनके पिता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की पूजा करने जाते थे। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। ऐसे में भगवान परशुराम के पिता ने कहा कि प्रभु, हमारे पास ना बल की कमी है और ना ही धन की। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे निवास स्थान पर चले, जिससे हम आपकी नित्य पूजा अर्चना कर सके। ऐसे में भगवान शिव ने कहा कि मैं कैलाश के कड़कड़ में विद्यमान हूँ। आप यहाँ से जो भी चीज़ उठा लेंगे उसमें मेरा वास हो जाएगा। इसके बाद भगवान परशुराम और उनके पिता कैलाश पर्वत से एक एक शिवलिंग लेकर अपने निवास की ओर चल पड़े। संध्या वंदना के समय होने पर उन्होंने यमुना किनारे दोनों शिवलिंग को रख दिया। वहीं यमुना में स्नान करने के बाद जब उन्होंने शिवलिंग उठाने का प्रयास किया, तब आकाशवाणी हुई, मैं अचलेश्वर हूँ। एक बार जहाँ स्थापित हो जाता हूँ, अब आप पूजा अर्चना करने यहीं पर आना। एक ही स्थान पर दोनों शिवलिंग स्थापित होने के बाद भगवान परशुराम और उनके पिता ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की। कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के कारण इस स्थान का नाम कैलाश मंदिर पड़ा। कैलाश मंदिर से करीब 6 किलोमीटर दूरी पर भगवान परशुराम और उनके पिता का आश्रम रेणुका है, जिसे अब रेणुका धाम के नाम से जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।